बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रुखसाना की किचन में स्वागत है आप लोगों का। आज की हमारी रेसिपी है लेबनीज चिकन, जो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनने वाला है। जूसी बिल्कुल और सॉफ्ट चिकन गल के तैयार हुआ है। और ये देखिए वाइट सॉस के साथ में चिकन, देखिए आप कितना अच्छा टेंडर हुआ है, एकदम जूसी जैसा दिख रहा है ना। ये देखो मज़ेदार सा, आप लोग एक बार बनाओगे ना तो बार बार इसको खाने का दिल करेगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं, इसे हमने किस तरीके से बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 1 किलो थाई का गोश्त ले ली हूँ। सॉफ्ट होता है थाई का गोश्त और पकने में बहुत ही अच्छा होता है, जूसी जैसा बनता है ये। और ये ले ली हूँ मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लगाएंगे हम फर्स्ट मेरीनेशन में। और हल्का सा नमक लगाएंगे, अगर आप चाहिए तो इस पर एक नींबू भी निचोड़ सकते हैं, मगर मैं नहीं निचोड़ रही हूँ। सिर्फ ये दोनों चीज़ लगा के इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पर रख दूँगी। 10 मिनट के बाद में हम इसका सेकेंड वाला मेरीनेशन तैयार करेंगे। सेकेंड मेरीनेशन के लिए अब हम दही ले लेंगे, 2 टेबल स्पून दही लेंगे हम। ये गाढ़ी वाली दही है ये, तो इससे मेरीनेशन बहुत अच्छा होएगा। 2 टेबल स्पून भर के ली हूँ देखो मैंने। अगर आपके पास पतली वाली है तो आप उसको छन्नी में या कपड़े में टंगा के आप रख सकते हैं। अब इसके अंदर डालेंगे हम चॉप करा हुआ 2 टेबल स्पून लहसुन। ये लहसुन ले ली हूँ मैंने, बारीक इस तरीके से चॉप कर ली थी, ये शामिल करेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, जायका इसका बहुत अच्छा आता है लहसुन का, चिकन के ऊपर जब हम मैरिनेशन करते हैं ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये ओरिगैनो ले ली हूँ मैंने 1 टेबल स्पून, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये पिज़्ज़ा वाला होता है ना, ये वो ओरिगैनो है। ये शामिल करेंगे, 1/2 टेबल स्पून से कम है दालचीनी का पाउडर, ये शामिल करेंगे हम। मसाले बहुत ही कम जाते हैं मगर बहुत ही टेस्टी बन के ये तैयार होता है। और काली मिर्च फ्रेश कूट के लेना, तो ये 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं, बहुत ही अच्छी लगती है काली मिर्च का भी फ्लेवर इसके अंदर, देखना बहुत मज़ेदार बनता है ये। अब इसके अंदर डालेंगे फ्रेश कोथमीर कट करके बारीक, ये देखिए। और चिल्ली, हरी ग्रीन चिल्ली का मैंने पेस्ट बना ली थी हरी मिर्ची का, 1 टेबल स्पून ये डाल रही हूँ। जितना तिक्का आप खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल लेना। 1/2 टेबल स्पून नमक डाली हूँ मैंने, नमक हमने चिकन पे भी लगाए थे तो टेस्ट करके डालना। और 1/2 कटोरी ऑयल डालना है इसके अंदर, बस इतना ही ऑयल जाएगा ये, और ऑयल की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सभी मसालों को, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। अब हम जो फर्स्ट वाला मैरिनेशन करके रखे थे चिकन को, अब ये सेकेंड वाला मसाला हमने बनाया है इसके ऊपर सब शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे हम, ये देखिए हाथों से, क्योंकि मसाला चारों तरफ अच्छे से चिकन पे लग जानी चाहिए। और इसको मैं कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन पे फ्रिज के अंदर रख देंगे हम ढक के, और बहुत ही अच्छा जूसी बन के तैयार होता है। अगर आपके पास जितना टाइम है आप इसको रख सकते हैं, है ना। 1 टेबल स्पून हमने बटर ले लिए, बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं, वाइट सॉस बना रहे हैं ना हम इसके लिए, चीज़ी वाइट सॉस, तो इसको हम थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। 1 चम्मच हमने लहसुन ले लिए, लहसुन को मैंने इस तरीके से चॉप कर ली हूँ चॉपर में डाल के, ये डालेंगे हम। और इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए। लहसुन अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, देखिए बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा जलाना नहीं है हमें। अब इसके अंदर 1 कटोरी में भर के मायोनीज डालूंगी। जितना आप सॉस बना रहे हैं आप अपने हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ये सॉस एक नंबर लगता है चिकन के साथ में, बहुत ही टेस्टी जूसी जैसा। एक बार आप ये सॉस बना लोगे ना तो बार बार आपका दिल करेगा बनाने के लिए। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, ले ली हूँ मैंने अमूल की, ये शामिल करेंगे। अब हम क्रीम डालेंगे, ये क्रीम से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, टेक्स्चर बहुत अच्छा होता है, स्मूथी जैसा एकदम सॉस बन के तैयार होता है ये। आप लोग एक बार बनाओगे ना तो ये बार बार खाने का दिल करेगा आपका सॉस ये। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोनों इंग्रेडिएंट्स को, तीनों को, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसको मिक्स करने से। ये देखिए दो चीज़ के स्लाइस डालेंगे हम इसमें, सॉस में बहुत ही अच्छे से टेक्स्चर आता है और चीज़ी जैसा फ्लेवर लगता है ना, तो 2 मैं डाल रही हूँ। और 1/2 टेबल स्पून ओरिगैनो डालेंगे इसके अंदर, ओरिगैनो का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और डालेंगे हम इसमें ब्लैक पेपर जो मैंने फ्रेश कूट के रखी थी ना, तो वो शामिल करेंगे हम इसके अंदर, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम है ये। और इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फिर, ये देखिए इस तरीके से सॉस हमारा बन के रेडी हो गया है, देखिए कितना बेहतरीन और अच्छा बना है ना। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको उतार लेते हैं हम अब नीचे, और अब बनाते हैं इसका सैलेड।
अब हम इसका सैलेड बना लेंगे। तो मैंने एक बाउल ले ली हूँ, इसके अंदर देखो मैंने इस तरीके से मोटे मोटे साइज में प्याज को, एक प्याज थी उसको कट कर ली हूँ, एक ककड़ी ली हूँ मैंने उसको कट कर ली हूँ, एक टमाटर, तीनों को एक ही साइज में हमने ऐसे कट कर लिए मोटा मोटा सा। ये सैलेड भी बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ में ज़बरदस्त बनता है बिल्कुल। एक चम्मच ले ली हूँ अनार का, इस तरीके से मैंने पीस ली हूँ दरदरा सा। ये शामिल करेंगे हम, एक टेबल स्पून काली मिर्च ये शामिल करेंगे हम इसमें, और शामिल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर ज़रा सी डालेंगे बस हाफ टेबल स्पून के इतनी, जितना तिक्का आप खाते हैं आप अपने हिसाब से डाल लेना, और थोड़ा कोथमीर और एक नींबू का रस ले लिया हमने, ये शामिल करेंगे हम इसमें। हल्का सा नमक शामिल करेंगे जैसे कि हम सैलेड बना रहे हैं उसके हिसाब से। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चटपटा सा सैलेड बन के रेडी हो गया ये भी हमारा, देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, लग रहा है ना देखने में कितना अच्छा। तो चलिए इसको सेट में रख देते हैं। अब कढ़ाई को हमने गैस पे फिर से रख दिए, चिकन को भी मैरिनेशन करे हुए आधा घंटा हो गया है। अब इसमें ऑयल नहीं डालना है हमें, जो हमने मैरिनेशन करके रखे थे ना बस उसी ऑयल में ही पकेगा चिकन। तो सभी मसाले के साथ में हम डाल देंगे इसको, ये देखिए ना पानी डालना है ना कुछ भी नहीं, बस इसी ऑयल में ये पकता रहेगा। इसको हम स्लो आंच पे पकने देंगे अच्छे से, बहुत ही जल्दी गल के ये तैयार हो जाएगा देखना। ये चिकन सॉफ्ट ली हूँ मैं, थाई का गोश्त है ये मटन चिकन का, तो इसके लिए तो इसको मैं ढक्कन लगा के ढक के रख देती हूँ 10 मिनट के लिए स्लो आंच पे। अब हम ढक्कन खोल के इसको चेक करेंगे, 5 मिनट हो गए इसको रखे हुए। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। इसका पानी पूरा हमें ड्राई कर लेना है, और इसके ऊपर जब तक का ऐसे देखिए ऐसे आ जाएगा ना ब्राउन कलर जैसा, जब तक हम इसको इसमें पकाना है। तो अच्छे से हम इसमें पका लेंगे इसको, कितना जूसी जैसा लग रहा है चिकन, तो बहुत जल्दी ये गल जाता है। चलिए फिर से इसको ढक के छोड़ देंगे, अभी मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा फास्ट कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लेबनीज़ चिकन बनके रेडी हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं। सैलेड को हमने प्लेट में इस तरीके से बिछा लिए। अब जो हमारे चिकन के पीस है ना तो उसको हम उठाएंगे इस तरीके से और ऐसे रखेंगे, देखिए इस तरीके से एकदम सॉफ्ट हो गया है चिकन भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पका है, बिल्कुल मज़ेदार सा बना है। आप एक बार बनाओगे ना तो आप बार बार इसको खाना पसंद करोगे, चटपटा चिकन। सभी चिकन को मैं इसी तरीके से रख लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस पे ये सॉस रखेंगे जो हमने बनाए थे ना, ये देखो कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये रेसिपी, मज़ेदार क्रीमी। ये देखिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनके तैयार हो गई। आप लोगों ने देखा हमने किस तरीके से बनाया, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।